हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट लेटर को। ये लेटर होगा लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट रिवोकिंग आर्टिकल 370। यानी आर्टिकल 370 को रिवोक के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, क्या क्या यहाँ पर फॉर्मेट आपको फॉलो करना, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए, ठीक है। और डिस्कशन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप तैयार कर सकते हो जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। और SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी ये बुक। आप इन बुक्स को अपने एग्जाम के हिसाब से ले सकते हो, CGL, CHSL या फिर MTS के लिए। SCO लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, राइट। 30% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इनको ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि यू आर रवि और सोनाली, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोकिंग आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यानी आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने मित्र को लेटर लिखना है, फ्रेंड को लेटर लिखना है, और आर्टिकल 370 के रिवोक के रिगार्डिंग जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में बताना है, राइट। तो देखो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। शुरुआत सबसे पहले आप यहां से करोगे एग्जामिनेशन हॉल से। जब आपको कोई भी एड्रेस नहीं दिया जाएगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे और प्लेस का नाम लिखोगे, राइट। उसके बाद आपको लिखना है डेट, जो भी करेंट डेट होगी वो आप डेट लिख सकते हो, और फिर डियर फ्रेंड से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद यहाँ पर शुरुआत करोगे कि आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी हेल एंड हार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हालचाल पूछते हुए शुरुआत करोगे। उसके बाद देखो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट रिवोकिंग ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैं ये लेटर किस बारे में लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, ये आप यहाँ पर बता दोगे, ठीक है। तो शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो इसकी, राइट। अब आप यहाँ पर बताओगे इसके रिगार्डिंग कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स अ टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यानी आर्टिकल 370 क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक तरह से टेम्परेरी ऑटोनोमस स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 डिवाइड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू न्यू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब आप ये बता सकते हो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के द्वारा जो जम्मू स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख शामिल है, राइट। इंस्टेड ऑफ 29 इंडिया विल हैव नाउ 28 स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली विल हैव अ 5-year टर्म नॉट 6 एज वॉज द अर्लियर। अब यहाँ पर बता सकते हो कि पहले जो स्टेट्स थे वो 29 थे, लेकिन अब 28 स्टेट्स ही होंगे। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली जो थी वो उसका भी 5-year टर्म होगा, पहले 6-year था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर विल नो लॉन्गर हैव द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग और एंथम। देखो जम्मू एंड कश्मीर का पहले सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, सेपरेट फ्लैग था और सेपरेट एंथम था, तो वो भी अब खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अब जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वही जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा, फ्लैग भी वही लागू होगा और एंथम भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, इस तरह से पूरा कंप्लीटली इन्फॉर्म कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, थिंग्स चेंज फॉर दिस ब्यूटिफुल स्टेट विच हैज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस एंड जस्टिस एंड इट विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द स्टेट एज वेल एज फॉर द कंट्री एज अ होल, ठीक है। यानी जो चीजें हैं बदलेंगी इस ब्यूटीफुल स्टेट के लिए, जो लंबा स्ट्रगल था पीस और जस्टिस के लिए वो खत्म हो चुका है, और जो ये चेंजेस किए गए हैं वो बेनिफिशियल होंगे स्टेट के लिए और हमारी कंट्री के लिए, राइट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड डैड योर्स लविंगली, और जो भी नाम आपको दिया होगा वो यहाँ पर नाम लिख सकते हो, राइट। तो इस तरह से गाइज आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बेटर तरीके से बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को कैसे लिखना है, किस तरह से आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना है इसको। और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा, ये वीडियो शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने से कोई नया है तो,
राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, और आप मुझे अनकेडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेस को देख सकते हो। राइट, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।